नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, लाइमलाइट में है। और इसका जो कारण है वो आए दिन हमें नई नई खबरें मिलती रहती हैं कि आज यहाँ बादल फट गया, आज वहाँ बादल फट गया, और यहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हो गया है। ऐसी तरह तरह की आपदाएँ भी हो रही हैं। दूसरी तरफ तरह तरह के यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे, जिनका स्तर अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बाकी एक तरफ तो जो हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, वो भू कानून की मांग कर रहे हैं, अपनी संस्कृति संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जो उत्तराखंड के लोग हैं वो हम मांग कर रहे हैं भू कानून की, किससे? उत्तराखंड सरकार से। वही सरकार जो कि स्थिर ही नहीं है, जो अपने पद पर एक जगह पर नहीं टिक रही है। और सीएम जो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक के बाद एक बदलते जा रहे हैं। तो जो उत्तराखंड की जनता की मांगे हैं वो जायज़ है, और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो संबंध है वो उत्तराखंड का जो हमारा संस्कृति है, कल्चर है, उसका संरक्षण करना। तो लेकिन जब सरकार ही एक जगह पर नहीं टिकेगी, ऐसे ही डामाडोल रहेगी, तो उत्तराखंड राज्य, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उसका उसकी जो क्षति है वो होना तय है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम उत्तराखंड की जो जनता है, हमारा ये अधिकार है जानना कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, एक के बाद एक मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हैं, और रिज़ाइन देने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य एक परिहास की तरह लोग इसको देखेंगे कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो तो बदलते जाते हैं। और आप काफ़ी सारे मीम्स तो देख ही रहे होंगे कि हर जगह यही चर्चा हो रही है। एक तरह से ये हमारे राज्य की बेइज्जती ही है और जनता की भी। और अगर हम उत्तराखंड को नेचुरल रिसोर्सेज और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, हमारी जो ये ज्योग्राफी है, लैंडस्केप्स हैं, इसके पहलू से देखें तो उत्तराखंड एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है जिसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और इस एक्स्ट्रा केयर के लिए हमें ज़रूरत है एक विजनरी लीडरशिप की। और विजनरी लीडरशिप वही होना चाहिए जो अपकमिंग आने वाला जो सीएम है, मतलब अगले चुनाव के लिए, वो एक ऐसा सीएम होना चाहिए जिसको राज्य का कोना कोना पता हो, वहाँ की विशेषताएं और विषमताएं दोनों के बारे में पता हो, ताकि वो उस पर डीपली काम कर सके। और गहराई से तभी काम हो सकता है जब जो हमारी सरकार है वो केंद्र में शासन करने का जो लालच है उनका, वो छोड़कर हमारे जो स्टेट, उत्तराखंड स्टेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और राज्य सेंट्रिक ज़्यादा हों, यानी कि स्टेट सेंट्रिक ज़्यादा हों, और उनको जगह जगह कोने कोने का भला बुरा पता हो, और जो यहाँ के इश्यूज हैं जैसे कि रोज़गार से लेकर, पलायन से लेकर, और संस्कृति संरक्षण से लेकर, टूरिज्म को कैसे उसमें सुधार करना है, इन सब पे डीपली काम होना चाहिए। तो हमें ऐसे ही आगे सरकार की ज़रूरत है, और ये बेहद ज़रूरी भी है। तो बेसिकली जो सीएम या जो सरकार है उसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल का। तो उनको 5 साल के शुरुआत में ही एक क्रोनोलॉजी बनानी चाहिए। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम। तो कालक्रम बनाना चाहिए जिसमें कि उनको सबसे पहले वो इश्यूज़ कंसिडर करने चाहिए जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा और टॉप पे है, जैसे कि रोज़गार हो गया, पलायन हो गया, तो इन इश्यूज़ को पहले रखना चाहिए। फिर इसी क्रम में उन पे काम करना चाहिए, और इस कालक्रम में उनको सुझाव लेने चाहिए जनता से, और जनता के बीच जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इनकी भागीदारी थी, उनको कंसिडर करना चाहिए, आम जनता का सुझाव लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमारा उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉरेस्ट कवर, इन सब का खजाना है। तो इस खजाने को एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ सरकार को लेके जाना चाहिए, और इसी में रोज़गार के विकल्प जो है वो लोगों को देने चाहिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास करना चाहिए जिससे कि लोगों को बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता ना पड़े।
और मैं एक और बार कहती हूँ कि जो लोग उत्तराखंड आंदोलन के भागीदारी जिनकी थी उनको कंसिडर करना चाहिए। मीडिया एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है जनता के लिए, जनता के हित के लिए। तो मीडिया को उन लोगों को सामने लाना चाहिए, स्क्रीन पे लाना चाहिए और उनसे सुझाव लेने चाहिए। और इन सबको टीवी पे, सोशल मीडिया पे इसको दिखाना चाहिए कि उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि उनसे बेहतर सुझाव मुझे नहीं लगता कि कोई और दे सकता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी उनके सुझाव कंसिडर करने चाहिए, उनको उन पे अमल करना चाहिए। और जो हमारे नए सीएम हैं जो अब बन ही गए हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगी, पुष्कर धामी जी को। और उनको इस पद को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए और जनता के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए और अच्छे और बेहतर ढंग से कार्य करने चाहिए। और उत्तराखंड मांगे भू कानून, इस पे सबसे पहले अमल करना चाहिए, क्योंकि भू कानून हमारा जो है वो एक सिक्योर बाउंड्री की तरह कार्य करेगा। क्योंकि जब जब तक बाउंड्री सिक्योर नहीं रहेगी तो उसके अंदर की चीज़ें उथल पुथल ही रहेंगी। तो सबसे पहले जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। तो जो हमारे नए सीएम हैं उसको सबसे पहले इस पे अमल करना चाहिए। और बाकी अब जैसे कि कोरोना नए नए तरीकों से हमारे शहर में, देश में, हर जगह एंटर कर रहा है, तो उसके लिए भी इनको अच्छे और कड़े से कड़े बंदोबस्त करने चाहिए। धन्यवाद।